अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदाज मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत और मज़ेदार आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे वीवर्स की फरमाइश थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाऊं, तो आप देख सकते हैं कि आज हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। 2 कप मैदा, अंडा, नमक, बेकिंग सोडा और उसके साथ यीस्ट, 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच घी। ये तमाम चीज़ें इनकी डिटेल आपको सामने कार्ड में मिल जाएगी। आटे को बहुत अच्छी तरह हमने गूँधा है। गूँधने के बाद इसको मैंने रख दिया है। 3 घंटे के बाद ये फूल के नरम हो गया है। अब हम इसको बेल रहे हैं, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मैं आप लोगों को 2 तरीके का बताऊँगी। एक पेड़ बनाऊंगी आप लोगों के सामने, उसका बनाएंगे, और फिर दूसरा जो है वो मैं कटर से या ग्लास से किसी भी चीज़ से बनाएंगे, तो आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों तरीकों में आप बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। पेड़े तैयार हो गए तो फिर हम इन पेड़ों को भी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये फूल जाएंगे फिर हम इनको दोबारा आके अगला प्रोसेस करेंगे। ये हमें अपने पेड़े जो फूले हुए हैं हमने इनको लिए, अब इनकी जो एयर है हम थोड़ी सी इसमें से दबाएंगे तो निकल जाएगी। अब मैं इनको हाथ से बना रही हूँ। ये पेड़ों को मैंने हाथ से सीधा किया है और आप देख रहे हैं बेलने पे मैंने इनको हल्का सा दबाया है। फिर उसके बाद मैंने एक छोटे सा, मेरे पास एक बॉटल थी उसके साथ मैंने इसको सुराख बना दिया। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सांचा हो, हम इसको किसी भी चीज़ से काट के बना सकिए। मैं हाथ से बना रही हूँ, फिर मैं आपको इनके तैयार होने के बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँ कि जिसको हम कटर से करें या हम उसको ग्लास से करें, कोई भी चीज़ हो, 2 तरह के हम आप बना रहे हैं। जो भी आप लोगों को आसान लगे, अच्छा लगे, आप बनाइएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं उनको बहुत एंजॉय करती हूँ। और अब हम आपके साथ दूसरा तरीका इसका कर रहे हैं। सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ इनको मैं कटर से या ग्लास से आपके सामने बना रही हूँ। पहले हाथ से बनाए थे, अब मैं इस तरह बना रही हूँ। आप देखें, जो आपको आसान लगता है आप कर लें। ये हल्का सा मैंने इसको थोड़ा डस्टी किया है ताकि हमारा कटर या कोई भी हमारे पास बर्तन, कोई चीज़ भी है जिससे हम इसको काटेंगे, तो उसके साथ ये चिपके नहीं। इस पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल लगाएं तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा मैदा थोड़ा सा डाला, उससे मुझे थोड़ी आसानी होती है। इसको बिल्कुल बराबर हमने करना, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। जितना ये बराबर होगा इतने हमारे डोनट जो हैं वो खूबसूरत और बराबर बनेंगे। ये देखिए, ये मैं इनको, ये बिल्कुल एक जैसा, कहीं से मोटा पतला नहीं है। इसी तरह मैं ये सारे बना के तैयार कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि फिर हम इनके अंदर किस तरह होल बनाते हैं। ये जितने भी डोनट्स तैयार हो गए हैं, अब हम इनको होल बनाने का तरीका देख रहे हैं, आपको बता रही हूँ। ये मैंने 7 अप का ढक्कन लिया है, क्योंकि मेरे ये डोनट्स जो हैं ये ज़रा छोटे हैं, इसलिए मुझे छोटा ढक्कन ज़रूरत है। मैंने छोटे ढक्कन से इसको अंदर से इसकी कटिंग की है। बड़े होते तो फिर मैं इसे के लिए कुछ बड़ा बर्तन, कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा ढक्कन लेती। ये जो पहले आपको मैंने बताया था कि मैं हाथ से बना रही हूँ, ये वो हैं। अभी मैं कट्ठी सबको फ्राई कर रही हूँ। इसकी फ्लेम बहुत स्लो रखनी है, मीडियम पे इसको पकाना नहीं है। ये अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी थिक होते हैं, नरम होते हैं, और आटा कच्चा ना रह जाए। मैदा या आटा जो चीज़ भी आप जिस चीज़ से भी बनाएं बना सकते हैं। इसलिए इसकी फ्लेम जो है, आप देख रहे हैं कि ये कितने स्लो प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हल्का हल्का इनको हिलाते जाएंगे, और जब तक नीचे से गोल्डन नहीं होंगे उस वक्त तब हम इनको दूसरी साइड नहीं पलटे के, एक साइड से गोल्डन करके फिर तब हम दूसरी साइड पे पलटे के।
इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बाकी भी इसमें डाल के उनको भी हम तैयार करेंगे, निकाल देंगे। जब ये सारे हम निकाल देंगे फिर आपको मैं दूसरा प्रोसेस बताती हूँ कि हमने इनमें जो गिलास के साथ हमने कटिंग की थी वो ज़रा छोटे, और उनको हमने चॉकलेट में बनाया है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हैं और बड़े मज़ेदार हैं, बहुत नरम हैं, खस्ते हैं बिल्कुल। ये एक का मैंने डिज़ाइन आपको बताया, कुछ इसमें थोड़ा चेंज लाने के लिए कि बच्चे खुश होते हैं, कोई दूसरी शक्ल कोई दूसरी शेप वगैरह दे दिए, हल्का हल्का हम मिला रहे हैं, हल्की आंच है, कलर बहुत प्यारा है, बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। ये तो खाने के बाद आपको पता चलेगा कि इनका जायका बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा है। ये जो मैंने बनाया था एक फूल वगैरह जो डिज़ाइन चेंज किया वो इस तरह बनता है। ये थोड़ा सा इसको खुला कर देते हैं क्योंकि ये फूल कर इसके अंदर से सुराख बंद हो जाता है तो फिर इसमें आय जो है सही अंदर जाता नहीं है। ये देखें आराम से, कितना आराम से ये कितना खूबसूरत बन रहा है। ये इनको आपस में आखिर में दोनों सिरों को जोड़ दिया, बस अभी हमने डाल दिया, बेहतरीन हो गया ये हमारा। कलर भी खूबसूरत है और हमारे बने भी बहुत खूबसूरत है। ये कुछ मैंने छोटे बनाए हैं और इनको मैं चॉकलेट में लगा रही हूँ। जब ये तैयार हो जाते हैं तो फिर हम चॉकलेट मेल्ट करके अपने पास रख लेते हैं, फिर उसमें इनको हल्का हल्का डिप करते हैं, फुल नहीं, क्योंकि आधा हमने इस पर लगाना है और आधा हमने इसको छोड़ना है। ये M&M हम इस पर लगा रहे हैं जिसे हम बंटी भी कहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं लगी हुई भी, और आप देखें बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने ये डोनट तैयार किए तो आपसे कैसे बने। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ भी रहो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें।